समाजवादी पार्टी से नॉमिनेशन किया, उसने समाजवादी पार्टी का बाराना कार्यकर्ता है, समाजवादी पार्टी ने उसे निकाला नहीं था, इसलिए समाजवादी पार्टी का है वो, समाजवादी पार्टी का था, समाजवादी पार्टी का रहेगा। ये है मेरठ शहर से समाजवादी पार्टी के मौजूदा विधायक रफीक अंसारी। अंसारी साहब की ये वीडियो सोशल मीडिया पर जोरों से वायरल हो रही है, जिसमे विधायक जी एक निर्दलीय पार्षद प्रत्याशी के समर्थन में प्रचार प्रसार करते हुए नजर आ रहे हैं, जबकि उस वार्ड से समाजवादी पार्टी ने अपना प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतारा था। समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी है, समाजवादी पार्टी का ही जीता है वो। उसमें वीडियो में तो ये देखा गया ना कि कोई निर्दलीय था जिसके लिए आप वोट मांग रहे थे। पहले उसने नॉमिनेशन समाजवादी पार्टी से किया था, समाजवादी पार्टी ने उसको टिकट दिया था, उसके बाद में उसका टिकट दूसरे ने किसी और को दे दिया, वो चेंज हो गया, लेकिन ये पुराना कार्यकर्ता समाजवादी पार्टी का, समाजवादी पार्टी का ही है, समाजवादी पार्टी का था। मामला मेरठ के वार्ड 83 का बताया जा रहा है। जब विधायक जी से पूछा गया कि आपने पार्टी के प्रत्याशी के समर्थन में प्रचार न करके एक निर्दलीय के समर्थन में प्रचार क्यों किया, तो उन्होंने जवाब दिया कि जिसके लिए उन्होंने प्रचार किया वो समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी था, उसे पहले पार्टी से सिंबल मिला था, लेकिन बाद में किसी ने उसका टिकट काट कर किसी और को दे दिया। आपका सवाल ये है, समाजवादी पार्टी से नॉमिनेशन किया, उसने समाजवादी पार्टी का पराना कार्यकर्ता है, समाजवादी पार्टी ने उसे निकाला नहीं था, इसलिए समाजवादी पार्टी का है वो, समाजवादी पार्टी का था, समाजवादी पार्टी का रहेगा। तो ये तो बार बार क्यों उलट पुलट सवाल कर रहे हो? एक बार जवाब दे दिया हमने, समाजवादी पार्टी का था वो, समाजवादी पार्टी का है, समाजवादी पार्टी का रहेगा। हैरानी की बात तो देखिए, जिस निर्दलीय के समर्थन में विधायक जी ने प्रचार किया वो खजूर के चुनाव चिन्ह से लड़कर जीत भी गया और उस वार्ड में समाजवादी पार्टी के साइकिल पंचर हो गई। विधायक जी अब कह रहे हैं कि वो समाजवादी था और समाजवादी ही है और समाजवादी ही रहेगा। उसके बाद उन्होंने कहा, हमारे तो सारी जगह से ही लड़ रहे थे, जो जीता वो हमारा। विधायक जी दावा कर रहे हैं कि पार्षदों के शपथ ग्रहण समारोह के बाद सभी निर्दलीय समाजवादी पार्टी की साइकिल पर सवार हो जाएंगे। सारे लड़े थे तो जो जीत क्या क्या मन मुटाव है, क्या जो जीत गया वो हमारा, वो समाजवादी समाजवादी पार्टी में शामिल। अभी निर्दलीय जो जीते हैं वो समाजवादी पार्टी में शामिल होंगे वो। ऐसे कितने लोग हैं, ऐसे कितने लोग अभी पता लग जाएगा, शपथ तो लेने तो पहले ना। अच्छा, शपथ के बाद काफी संख्या में पार्टी में शामिल होंगे लोग। अब इसे विधायक जी का कॉन्फिडेंस कहें या तुनक मिजाजी कहें, पार्टी के कैंडिडेट के सामने निर्दलीय को चुनाव जिताने के बाद भी उन्हें किसी का खौफ नहीं है, बल्कि फुल्ली कॉन्फिडेंट हो रहे हैं और कह रहे हैं कि पहले वाले का जिसने टिकट काटा उससे जाकर पूछो कि आखिर क्यों काटा, जिसे हमने लड़ाया वो समाजवादी पार्टी का पुराना कार्यकर्ता है, जेल गया है, मुकदमे लगे हैं, उसने हमें विधानसभा का चुनाव लड़वाया है, तो उसे जितवाना हमारा कर्तव्य है। ये वैसे भी ये सब वो पार्टी के परिवार को आगे बढ़ाने के लिए तो कर रहे हैं। ये मुस्तफा और शहजाद वाला जो मामला है ये थोड़ा सा गले नहीं उतर रहा है आपके, ना उतर रहा हो? समाजवादी पार्टी का सील हो जाके समाजवादी पार्टी का पुराना कार्यकर्ता है नहीं आप पर, एक विधायक होने के उसमें आपका एक कर्तव्य बनता है कि साइकिल के कर्तव्य ये बनता है, जो समाजवादी पार्टी का पुराना कार्यकर्ता है जेल गया, मुकदमे लगे हैं उस पर, हमारे जो विधानसभा में जिताया उसने, वो कार्यकर्ता हमारा, हम उसकी मदद करें, हमारी जिम्मेदारी भी फर्ज भी हमारा। आप अगर मेरी मदद करेंगे मैं आपकी मदद नहीं करूँगा। तो समाजवादी पार्टी का था वो, समाजवादी पार्टी का है, समाजवादी पार्टी का रहेगा। और अभी भी और भी लोग आएंगे, निर्दलीय जन कितने आएंगे समाजवादी में, जो समाजवादी को हरा कहाँ, तो क्या उन्हें निकाल लेंगे? नहीं, भगा देंगे उन्हें। समाजवादी पार्टी के परिवार को बढ़ाना हमें, समाजवादी पार्टी को मजबूत करना हमें। वही बातों ही बातों में विधायक जी ने एक बात तो साफ कर दी, चुनाव में जो जीता वो तो उनका, लेकिन उन्होंने साफ नहीं किया कि चुनाव में जिसकी हार हुई है वो किधर जाएगा। सवाल तो ये भी है कि पार्टी लाइन से हटकर एक विधायक होने के बावजूद उन्होंने दूसरी पार्टी या निर्दलीय को चुनाव लड़वा कर क्या समाजवादी पार्टी की लाइन क्रॉस नहीं की है?